हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बड़े बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए देसी घी, थोड़ा सा सॉस, इसमें हमने सेज़वान चटनी और टमाटो सॉस और फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग वो मिक्स कर दिया है इसमें। इसके बाद हमने लिया है कॉर्न, अनियन और मोज़रेला चीज़। अब इसमें हम थोड़ी सी घी लगा देते हैं इसमें। ये इसका ये पिज़्ज़ा के बैटर में आप अच्छे से घी लगा लीजिए। पिज़्ज़ा के बैटर में थोड़ा सा हल्का सा घी लगाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। आप पूरे कोने कोने में लगा दीजिएगा, पूरे पूरे कोने में लगा दें। ये देखिए, अब इसमें हम अपना पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया है घर पे। अब इसमें हम बोलो चीज़ डालते हैं थोड़ा सा, अच्छे से भर भर के। वाव, कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम अपने कटे हुए अनियन डालेंगे। इसमें आप शिमला मिर्च और अपने स्वाद के अनुसार वेजिटेबल, जो वेजिटेबल आप खाते हो वो इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम कॉर्न डालेंगे। कॉर्न की टॉपिंग करेंगे इसमें हम। अब इसमें हम दोबारा से चीज़ डालते हैं, चीज़ भर भर के डालते हैं, जिसे चीज़ स्पर्श पिज़्ज़ा। अब इसे हम अपनी इस प्लेट में रख देते हैं और हमने अपनी कढ़ाई गर्म कर दी है। इसमें हमने नमक डाल दिया है। पहले हमें इसे खूब हीट करना है, खूब गर्म करना है। उसके बाद हमने नमक डाल के इसमें एक स्टील की कटोरी या आपने स्टील का कुछ रख के इसमें हमने प्लेट में सेफ से, क्योंकि आपकी कढ़ाई बहुत गर्म है। क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है, कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, ये आराम से डाल। अब इसको हमने कवर कर देना और इसे लो फ्लेम में 15 मिनट तक, लो फ्लेम में 15 मिनट तक इसे रख देना है। ये देखिए हमारा, हमने इसमें रख दिया है। अब ये देखिए हमारा
15 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसको काट के और सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, और इसे आप भी अपने घर में बनाइए और बड़े चाव से खाइए। आगे ऐसी नई वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगी इसे लेके, नई और नई रेसिपी के साथ। इसे आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। बाय।